आपका पहला सवाल, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? आपके ऑप्शन है ए मुंबई, बी कोलकाता, सी लखनऊ, डी चेन्नई। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही जवाब होगा बी कोलकाता। दूसरा सवाल, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? आपके ऑप्शन है ए 2000 ईस्वी में, बी 1950 ईस्वी में, सी 1930 ईस्वी में, डी 1931 ईस्वी में। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही जवाब होगा डी 13 फरवरी 1931 को। तीसरा सवाल, दिल्ली का असली नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए इंद्रप्रस्थ, बी पलामू, सी गया, डी पुणे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही जवाब होगा ए इंद्रप्रस्थ। चौथा सवाल, बिहार का प्राचीन नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए झारखंड, बी कुटिल, सी मगध, डी लोहरसी। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही जवाब होगा सी मगध। पांचवा सवाल, बिहार का पहला राजा कौन था? आपके ऑप्शन है ए शाहजहां, बी गोपाल राजवंश, सी मगधीरा, डी अकबर। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही जवाब बी गोपाल राजवंश। छठा सवाल, यूपी और बिहार कब अलग हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1911 ईस्वी में, बी 1980 ईस्वी में, सी 1947 ईस्वी में, डी 1950 ईस्वी में। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही जवाब होगा ए 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। सातवां सवाल, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए चित्रंगी, बी मंगेश्वर, सी सिलोन, डी कोलंबो। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही जवाब होगा सी सिलोन। आठवां सवाल, अंग्रेज भारत कब आए और कैसे आए? अंग्रेज का भारतीय उपमहाद्वीप में आगमन 24 अगस्त 1608 को व्यापार के उद्देश्य से भारत के सूरत बंदरगाह पर अंग्रेजों का आगमन हुआ था, लेकिन 7 वर्ष के बाद सर थॉमस रो जेम्स प्रथम के राजदूत की अगुवाई में अंग्रेज को सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए शाही फरमान प्राप्त हुआ और वहीं से अंग्रेजों का शासन चालू हुआ। नवा सवाल, अंग्रेज को आने से पहले भारत में किस राजा का शासन था? 5, 4, 3, 2, 1, 0। मुगल साम्राज्य का। दसवां सवाल, अंग्रेज भारत में कब से कब तक रहे? ब्रिटिश राज 1858 और 1947 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश द्वारा शासन था। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें।